हेलो गाइस। सो आज है फाइनल मैच। सो मैं रेडी हो रहा हूँ और मैं जाता हूँ आज फाइनल गेम। फाइनल मैच है और देखते हैं आज क्या होता है। और हम जीत के ही आएंगे और इसका पूरी टीम को कि अच्छा खेलें और अच्छा परफॉर्मेंस करें और देखते हैं नेक्स्ट से क्या होता है। फाइनल मैच है और मैं 12th में हूँ। मैं तो नहीं खेला बट 94 रन एंड 9th ओवर। शानदार मैच। ओके दिस बॉल ये घुमा के मारा है डायरेक्टर बंगलो राइट। खेलने को नहीं मिला और बहुत गर्मी हो रही, बहुत दुख पसीना हो रहा। ठीक है और देखते हैं क्या होता है। मैच जीतते हैं हारते हैं फाइनल मैच। अभी आकाश मारेगा एनुअल डे का। आज शैली फंक्शन है, आज सेकेंड डे और डांस कौन वेस्टर्न कल्चर डांस वगैरह होगा। तो बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और शाम होगा क्रिकेट के मैच खेल के हम लोग और क्रिकेट मैच जीते। और क्या ना समापन ने बेस्ट एम्पायरिंग और बेस्ट एम्पायर का अवार्ड मिला है। इनको गिफ्ट क्या मिला तुम्हें? गिफ्ट क्या मिला? जर्सी मिला। और यहाँ देखो बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी 8 बजे से स्टार्ट होगा डांसिंग और मस्त माहौल है आज। और मैं जा रहा हूँ रूम फ्रेश होने के लिए और नहा धो के फिर आते हैं। सोती हुई मैंने बोला ना वो जो मारा क्या बोला। अच्छा बॉल टप्पा में आ रहा है सब वेट कीजिए सब बैठ गए सर खड़ा हो गया। 3 छक्का लगाया एक के बाद एक बहुत मस्त छक्का लगाए थे। 5 hours later हेलो गाइस। हम लोग फाइनल मैच जीत चुके हैं और क्या हुआ कि पहले टॉस जीत के हम लोगों ने बॉलिंग करी और प्लेइंग 11 मैं नहीं था, मैं 12th मैन था। सो अपोजिट टीम ने 10 ओवर में 114 रन का टारगेट रखा, 114 का टारगेट रखा और हमारे काफ़ी कैच छूटे और बट हमारी बॉलिंग अच्छी हुई और हमने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी भाई। एक दो गई हैं बट नो बॉल हमने एक भी नहीं डाली। और देन उसके बाद हम लोगों ने बैटिंग की तो हमारे ओपनर ने काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत दी और हमने 4 ओवर में 50 रन कर लिए थे और हमें समथिंग 6 ओवर में हमें और कम से कम 65 की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने 6 गेंद पहले ही रहते हुए हम लोगों ने मैच जीत ही लिया। एंड मैन ऑफ द मैच आकाश रहा है, उससे काफ़ी अच्छी बैटिंग की, उसने काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग करी, उसने एक ही ओवर में 4 छक्के लगातार मार दिए तो वहाँ से हम लोगों की रन रेट बढ़ती गई। ओके देन उसके बाद सेलिब्रेशन हुआ और एंजॉय किया काफ़ी। और क्या है कि मैं आ गया हूँ अभी फिलहाल रूम पे और मुझे जाना है। आज शाम को कल्चरल प्रोग्राम है स्टूडेंट्स का और उसके बाद वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा बट काफ़ी लेट हो गया मैं और 7:30 बज गया। मुझे निकलना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा और कल्चर प्रोग्राम अटेंड करना है और बच्चों का परफॉर्मेंस उसको देखना है और इन्जॉय करना है। और देन उसके बाद कल है डीजी नाइट तो कल भी पार्टी है तो फिर 2-3 दिन तो पार्टी चल रही है बट इन्जॉय कर रहा हूँ कोलकाता में जब से आया हूँ। और काफ़ी कुछ कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं कोलकाता में, मैराथन हो रहा है और कोई महाराष्ट्र स्टूडेंट महाराष्ट्र में संपूर्ण कर रहा है, कोई क्रिश्चियन हो सॉरी केरला से तो वहाँ केरला की लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड कल फाइनली एंड कुछ टीचर का भी परफॉर्मेंस है तो उनको भी देखेंगे और अच्छा उनको अप्रिशिएट करेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं कि दिल खोल के तो देखो दुनिया तुम्हारे साथ है। ओके गाइस तो फिर चलते हैं। गुड नाइट, सब बाय बाय, टेक केयर।